भारतीय थल सेना आज अपना 73वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर दिल्ली के परेड ग्राउंड में आज देश को सेना की ताकत और सैनिकों का शौर्य देखने को मिल रहा है। आज सेना के उन जवानों का भी सम्मान किया जा रहा है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। इससे पहले दिल्ली में वॉर मेमोरियल पर तीनों सेनाओं के अध्यक्षों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद जुड़े हुए हैं इस खबर पर। मनीष, आज किस तरीके से सेना के शौर्य को सलाम किया जा रहा है? देखिए मीनाक्षी, आज ये 73वां आर्मी डे है और इस मौके पर आज दिल्ली के कैंटोनमेंट एरिया के आर्मी परेड ग्राउंड में भारतीय सेना के दमखम के साथ उन शूरवीरों को याद किया जाएगा जिन्होंने 2019 तक अपने शौर्य और शूरवीरता का परिचय देते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्शन और उसके साथ साथ इंटरनल सिक्योरिटी की ड्यूटी करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और दमखम के साथ अपने इस भारतीय सेना के जो मोटो है उसको आगे रखा। इस समय ऐसा मौका है कि जब ब्रह्मोस इंटीग्रेटेड सिस्टम एक बार साथ इस आर्मी परेड ग्राउंड में होगा, उसके साथ साथ पिनाका, शेलका, बीएमपी, उसके साथ साथ T-72 और T-90 टैंक्स होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ जो इस समय आर्मी चीफ हैं, उन्होंने जब जैसे ही इसका सैल्यूटिंग डायस पे वो आए, उन्होंने कहा कि भारत पूरी तरीके से भारतीय सेना के द्वारा सक्षम और तत्पर तैयार है टू फ्रंट वॉर के लिए, हर सिनेरियो को निपटने के लिए। इस समय पैरा जो कमांडोज हैं उनको जो इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास यानी भारत पाकिस्तान की सरहद और साथ में इस समय कश्मीर के हालात पे ऑपरेशन रक्षक में 2400 घंटे तत्पर हैं, उनको साइटेशन दिया जा रहा है, यूनिट साइटेशन दिया जा रहा है। और यही नहीं बल्कि जो भारतीय सेना की अलग अलग कमांड्स हैं उनके ऑफिसर्स को भी आज सम्मानित किया जा रहा है। कुल मिला के ये करीबन 22 से ज्यादा ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनको आज सम्मानित किया जा रहा है, सेना मेडल से सम्मानित किया जाएगा, साइटेशन दिया जाएगा। उसके साथ साथ भारतीय सेना का को गौरवान्वित करने वाले जो इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम है वो एक साथ यहाँ पर आज दिखाया जाएगा, जिसमें ब्रह्मोस, उसके अलावा भारतीय वायु से भारतीय सेना की जो एविएशन विंग है उसके जो एयरक्राफ्ट। बिल्कुल मनीष, आज सेना के शूरवीरों के सम्मान का दिन है, भारत के आन बान शान का दिन है और वही लाइव तस्वीरें हम इंडिया टीवी के दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए मनीष आपका शुक्रिया। और हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद देखिए 10 मिनट में अब तक की 100 बड़ी खबरें।